नेशन स्पोर्ट्स पर इस वक्त की बड़ी खबर, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका लॉर्ड्स टेस्ट मैच। इंग्लैंड ने किया अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान। आपको बता दें, 3 साल बाद हुई ओली स्टोन की वापसी। चोटिल मार्क वुड प्लेइंग 11 से बाहर। 29 अगस्त से खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में फिलहाल इंग्लैंड 1-0 से आगे। न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर इस वक्त की बड़ी खबर, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका लॉर्ड्स टेस्ट मैच। इंग्लैंड ने किया अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान। आपको बता दें, 3 साल बाद हुई ओली स्टोन की वापसी। चोटिल मार्क वुड प्लेइंग 11 से बाहर। 29 अगस्त से खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में फिलहाल इंग्लैंड 1-0 से आगे। न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर इस वक्त की बड़ी खबर, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका लॉर्ड्स टेस्ट मैच। इंग्लैंड ने किया अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान। आपको बता दें, 3 साल बाद हुई ओली स्टोन की वापसी। चोटिल मार्क वुड प्लेइंग 11 से बाहर। 29 अगस्त से खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में फिलहाल इंग्लैंड 1-0 से आगे। न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर इस वक्त की बड़ी खबर, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका लॉर्ड्स टेस्ट मैच। इंग्लैंड ने किया अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान। आपको बता दें, 3 साल बाद हुई ओली स्टोन की वापसी। चोटिल मार्क वुड प्लेइंग 11 से बाहर। 29 अगस्त से खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में फिलहाल इंग्लैंड 1-0 से आगे।